हेलो स्टूडेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हमने आपके लिए कौन से एमसीक्यू देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, वाष्प रेफ्रिजरेशन निकाय में कार्यकारी पदार्थ को की अवस्था होती है, यानी कि जो वर्किंग मैटर है उस वो किस अवस्था में होता है, तो वो होता है हमारा वेपर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाष्प संपीड़न निकाय में संपीड़न होता है यानी कि जो कंप्रेशन किया जाता है वो कौन सा कंप्रेशन होता है, वह होता है हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन, यानी कि ना ही हीट लॉस हो रही है ना ही किसी प्रकार की हीट एब्जॉर्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि द्रव्यमान प्रवाह दर का मात्रक है, यानी कि द्रव्यमान प्रवाह दर का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मिनट टन, क्या होता है, किलोग्राम पर मिनट टन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन का मात्रक होता है, सैद्धांतिक पिस्टन विस्थापन का मात्रक होता है मीटर क्यूब पर टन मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो रेफ्रिजरेशन निकाय में सीधे रूप में भाग लेते हैं, यानी कि जो पदार्थ सीधे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। कौन से रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं, वो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसरण एवं वाष्पन के दौरान ऊष्मा अवशोषित करने वाला पदार्थ, जो ऊष्मा अवशोषित करता है वो कौन सा पदार्थ है, वो कहलाता है हमारा रेफ्रिजरेंट, क्या कहलाता है हमारा रेफ्रिजरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का प्रवाहन सतह यानी कि हीट फ्लो कहाँ से होता है, तो हीट फ्लो होती है हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, कहाँ होती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हमेशा प्रवाहित होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट किस वर्ग के रेफ्रिजरेंट है, तो हेलो कार्बन किसके हैं, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यानी कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वर्ग के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसे रेफ्रिजरेंट जिन्हें पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ठंडा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी, यानी कि पहले प्राइमरी द्वारा ठंडे किए जाएंगे तब ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा कि हेलोजन्स कार्बन एंड ब्रोमीन किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट में उपलब्ध होते हैं, यानी कि हेलोजन कार्बन और ब्रोमीन पदार्थ हैं वो किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट में होते हैं, वो होते हैं हमारे हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट में, किस में होते हैं, हमारे हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।